उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में आज पुलिस लाइन में दो दिवसीय फर्स्ट शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद द्वारा किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने सभी प्रतिभागियों को प्रेरित करते हुए कहा कि ये चैंपियनशिप न केवल निशानेबाजी कौशल को विकसित करने का माध्यम है, बल्कि खेल भावना को भी बढ़ावा देने का एक सशक्त मंच है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस चैंपियनशिप का उद्देश्य न केवल पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता और निशानेबाजी कौशल में सुधार करना है, बल्कि बच्चों और युवाओं में खेल के प्रति रुचि और सुरक्षा कौशल को बढ़ावा देना भी है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को भविष्य में भी ऐसे आयोजन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि जो बच्चे सुविधाओं के अभाव में आगे नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए ये सुनहरा मौका है। इस प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर राइफल एयर पिस्टल के इवेंट कराए जा रहे हैं, जिसमें कुल 200 से अधिक कॉलेज और स्कूली बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रतियोगिता के लिए कुल 5 श्रेणियां निर्धारित की गई हैं, जिनमें जूनियर, यूथ वर्ग, लिटिल चैंप, सर्विसेज। इस चैंपियनशिप की खास बात यह है कि इसमें कन्नौज पुलिस के कर्मचारियों के साथ साथ आम नागरिक, बच्चे और युवा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बच्चों और युवाओं ने अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए निशानेबाजी के प्रति गहरी रुचि दिखाई। ये कार्यक्रम प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को एक उत्सव जैसा माहौल प्रदान करेगा। प्रतियोगिता का आयोजन अत्याधुनिक सुविधाओं और सुरक्षा मानकों के साथ किया जा रहा है, जिससे सभी प्रतिभागियों को सुरक्षित और अनुशासित वातावरण में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले। प्रतियोगिता के अंत में सभी श्रेणियों में विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। इस शुभारंभ के मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार, क्षेत्राधिकारी लाइन तिरवा, प्रतिसार निरीक्षक सुखपाल सिंह एवं अन्य अधिकारी कर्मचारीगण और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। स्ट्रीट बस के लिए कन्नौज से पंकज कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर, आज कन्नौज पुलिस लाइन्स में कन्नौज पुलिस द्वारा दो दिवसीय शूटिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया है। इसमें 10 मीटर एयर पिस्टल एयर राइफल के इवेंट्स कराए जा रहे हैं। ये कंपटीशन कन्नौज के सभी स्कूली एवं कॉलेज छात्रों के लिए ओपन था। 200 से अधिक छात्रों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य था जो शूटिंग स्पोर्ट है उसे अधिक से अधिक बच्चों को फैमिलियराइज कराना, एक्सपोज करना, ताकि जो बच्चे इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं और फैसिलिटी के अभाव में नहीं कर पा रहे, तो उनको एक उसके प्लेटफॉर्म देना। और मुझे आशा है कि इस शूटिंग चैंपियनशिप में कई सारे जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो निकल कर आएंगे। और ये हमारी फैसिलिटी है, फ्रीली अवेलेबल है। इस शूटिंग रेंज को इसी वर्ष कन्नौज पुलिस लाइन्स में क्रिएट किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे से एक्सपोज होंगे और फैसिलिटी का यूज़ करेंगे। मुझे आशा है भविष्य में चलकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न स्तरों पे और अच्छा काम करेंगे, मेडल जीतेंगे। इसी शुभकामना के साथ ये शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है और इसमें बच्चे सर ये कितनी दिन का आयोजन? ये 2 दिवसीय शूटिंग चैंपियनशिप है, 1 और 2 अक्टूबर, और इसमें 200 से अधिक बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है। इनकी विभिन्न कैटेगरीज में चैंपियनशिप कराई जा रही है, जिसमें लेस देन 21 ईयर्स, 18 ईयर्स, 14 ईयर्स, 10 ईयर्स कैटेगरी बनाई गई है।